क्वांटी6 वेब 3 वॉलेट पर आप किसी भी टोकन को बाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मीम टोकन को बाई करना चाहते हैं, या फिर आप एआई प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड जो टोकन्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर बेस चेन पर आपने देखा होगा काफी सारे मीम टोकन आते हैं एंड वो आपको काफी अच्छा रिटर्न देते हैं इनिशियल स्टेज में, या फिर आप डीफाई प्रोजेक्ट या गेमिंग प्रोजेक्ट या फिर आपको और भी अदर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी टोकन को बाई करना चाहते हैं, किस प्रकार से किसी भी टोकन को बाई करेंगे, किस प्रकार से सेल करेंगे, किस प्रकार से आपको अगर इनसफिशिएंट फंड का जो एरर है वो आता है सो उसको किस प्रकार से फिक्स करेंगे, और आपको किस प्रकार से चेक करना है कि आपकी ट्रांजेक्शन फीस कितनी लग रही है। इसके अलावा अगर आप क्वांटी6 वेब 3 वॉलेट के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्वांटी6 वेब 3 वॉलेट के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई करने के लिए और सेल करने के लिए आपको क्वांटी6 एक्सचेंज का मेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप ओपन करेंगे, उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको नीचे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर वेब 3 का एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्वांटी6 वेब 3 का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, अकाउंट कैसे बनाते हैं और आपको किस प्रकार से फंड ऐड करना है इसके ऊपर पहले से ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप अपने वॉलेट में फंड ऐड कर लेते हैं उसके बाद में फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। सो बेसिकली आपको नीचे यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्वांटी6 वेब 3 पर जितने भी टोकन्स अवेलेबल है वो सभी टोकन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्वांटी6 वेब 3 वॉलेट पर आपको जितने भी टोकन्स है वो पूरे कैटेगरी वाइज मिलते हैं। इनकी अगर आपको मीम प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं सो जस्ट आप मीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितने भी मीम टोकन्स होंगे वो सभी मीम टोकन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपको इससे पता रहेगा कि कौन सा मीम टोकन है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काफी सारी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉइन को बाई करना चाहते हैं लेकिन वो कॉइन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है सो आपको यहाँ ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा जहाँ पर आपको उस कॉइन का नाम लिखना है जिसको आप खरीदना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कॉइन का यहाँ पर नाम सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर डॉज कॉइन सर्च किया सो यहाँ पर मुझे सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी टोकन को सर्च करेंगे इसी प्रकार से सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी टोकन को बाई करना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपको जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर उस कॉइन से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि 24 आवर्स में ये टोकन कितना बाई हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने डॉलर का बाई हो चुका है और सेल हो चुका है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क स्कोर, यानी कि अगर आप इस टोकन में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं सो क्या रिस्क है आपका। सो बेसिकली यहाँ पर 100 में से दिखा रहा है कि 95% आप सेफ है। बेसिकली 100 में से जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना ही आप सेफ रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन है वो बाई करना चाहता हूँ सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा, उससे रिलेटेड फिर मुझे यहाँ पर जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपने जिस भी कॉइन को बाय करने के लिए सेलेक्ट किया होगा उसका बाय वाले ऑप्शन में नाम लिखा होगा, लोगो आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे विद का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ सेलेक्ट टोकन का आपको ऑप्शन मिलेगा, सो आपको यहाँ सेलेक्ट टोकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी टोकन दिखाई देंगे जो कि आपके वॉलेट में है, या फिर इन टोकन्स को यूज करके आप इस कॉइन को बाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे वॉलेट में यूएसडीटी है और बीएनबी है फिलहाल। अब मैं यूएसडीटी के माध्यम से फॉर एग्जांपल बेबी डॉज कॉइन बाई करना चाहता हूँ, या आपने जिस भी टोकन को सेलेक्ट किया होगा बेसिकली आप उसको बाई करना चाहते हैं और आपके वॉलेट में भी आपने यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी ट्रांसफर किया होगा। सो बेसिकली आप यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी के माध्यम से बाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो टोकन होल्ड कर रहे हो सकता है कि अलग अलग नेटवर्क पर रखा हो, यानी कि चैन पर रखा हो, सो आपको यहाँ वो चैन्स दिखाई देंगी। अब मेरे पास जो यूएसडीटी रखा हुआ है लगभग 5, वो एक ही चैन पर है और वो है बीएसएन की बाइनेंस स्मार्ट चैन। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई अदर चैन पर रखा हुआ है सो उस कंडीशन में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चैन पर रखा हुआ फंड आपको यूज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही चैन पर है, जस्ट मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो कॉइन बाई कर रहे हैं ना उसका अमाउंट आप यहाँ टाइप कर दीजिए कि कितना बाई करना चाहते हैं, या फिर दूसरा आपके पास
ऑप्शन है कि आपके वॉलेट में जितनी भी यूएसडीटी है, बेसिकली आप जो भी कॉइन देके बाय कर रहे हैं दूसरे कॉइन को, उसमें से आप कितना फंड लगाना चाहते हैं इस कॉइन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं $1 का खरीदना चाहता हूँ, मैंने $1 डाला, उसके बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और मुझे बताएगा कि मुझे कितने टोकन मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है, ये तभी आपको मिलेगी जब आपके ट्रांजेक्शन में हाई आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, फिर आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन की फीस लगने वाली है। अब $1 का जो मैं खरीद रहा हूँ ना, उसका लगभग बनता है ₹90.63, लेकिन टोटल जो मेरा ऑर्डर वैल्यू बन गया वो बन गया ₹152 के समथिंग, बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ यू पे का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो भाई, आपका ऑर्डर वैल्यू यानी कि आप जो परचेज कर रहे हो ना, उसका तो इतना पैसा बनता है। प्लेटफॉर्म फीस यानी कि आप इसको ट्रेडिंग फीस बोल सकते हो, ये इतनी बनती है, लेकिन नेटवर्क फीस आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपको भी काफी बार हद से अधिक फीस देखने के लिए मिलती है, तो आप थोड़ी देर बाद में ट्राई करेंगे कॉइन को बाई करके, तो आपको जो फीस है वो कम देखने के लिए मिलेगी। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वैप करना है, तो आप जैसे इसको स्लाइड करेंगे आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक्टिविटी वाले पेज पर भेजा जाएगा एंड ऑर्डर्स में फिलहाल आपने जो भी टोकन बाई किया होगा उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि फिलहाल मेरा जो ट्रेड है वो इन प्रोसेस में है। अब यूजुअली फिलहाल यहाँ पर जो CoinDCX Web3 वॉलेट है उसमें किसी भी टोकन को आप जब भी बाई करते हैं तो 15-20 सेकंड लग जाते हैं, बट आपको 5 से 10 मिनट का समय भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉइन को और कौन से चेन पर सिंपली बाई किया है और कितना आपका अमाउंट है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। एक बार मैं बैक करूंगा एंड एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बेबी डॉज कॉइन बाई किए थे वो मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको काफी समय हो चुका है या फिर आपने काफी सारे कॉइन्स बाई कर लिए हैं और अब आप किसी भी कॉइन को बेचना चाहते हैं, तो आपको नीचे आप वॉलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिस भी कॉइन को आप बेचना चाहते हैं वो कॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो मान लीजिए मैं बेबी डॉज कॉइन को ही बेचना चाहता हूँ, सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ वैसा ही पेज देखने के लिए मिलेगा जैसा बाई पे मिला था। अब आपको यहाँ पर गेट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर सेलेक्ट टोकन लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आप फिलहाल लेना चाहते हैं, जो कॉइन आप सेल कर रहे हैं उसके बदले। सो आप यहाँ पर किसी भी टोकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसी चेन पर सेलेक्ट कर पाएंगे किसी भी कॉइन को जिस चेन पर आप होल्ड कर रहे हैं किसी भी कॉइन को जिसको आप फिलहाल बेच रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं USDT लेना चाहता हूँ, USDT को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में अब मुझे बताना है कि मेरे पास टोटल जितना भी ये टोकन है इसमें से मैं कितना बेचना चाहता हूँ, वो मैं जस्ट यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, मैंने पूरा टाइप कर दिया। उसके बाद में इसने बताया कि मुझे टोटल कितना USDT मिलने वाला है और एक बेबी डॉज कॉइन के बराबर मुझे कितना USDT मिलेगा वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप लाइव रेट भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर मेरा ऑर्डर वैल्यू तो लगभग ₹90 का ही है, लेकिन टोटल यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरा बन जाएगा ₹165 के समथिंग, जो कि काफी ज्यादा है। अगेन अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक ब्रेकअप मिल जाएगा कि ऑर्डर वैल्यू क्या है, आपकी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो कितनी है और बेसिकली आपको यहाँ पर जो नेटवर्क फीस है या ब्लॉकचेन फीस है वो कितनी देनी पड़ रही है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा आप देखेंगे फीस USDT में लिखा है। अगर आपके वॉलेट में USDT नहीं हुआ ना तो आप ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके पास इनफ फीस होनी चाहिए हमेशा। सो अगर आपको कभी भी इनसफिशिएंट जो फंड है या फिर फीस का मैसेज आता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि कितना फंड आपको चाहिए। अब इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगेन आपको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। अगेन अब आपका ट्रांजेक्शन तो सबमिट हो चुका है, लेकिन आपको 15 से 20 सेकंड दोबारा से वेट करना होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अगर मैं एक बार बैक करूंगा तो आप मेरे वॉलेट में देख सकते हैं कि जो USDT है वो ऐड हो चुका है। सो कुछ ये आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप CoinDCX Web3 वॉलेट के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को सेल कर सकते हैं और किसी भी कॉइन की ट्रांजेक्शन डिटेल्स कुछ इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी मन में कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।